चैनल डिविनिटी टैरो सेक्स। तो कैसे है सब लोग, आई होप एवरीवन इज फाइन ओवर देयर एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस, दैट इज हु इज योर फ्यूचर स्पाउस, हु आर यू गोइंग टू मैरी, आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है, आपके फ्यूचर हस्बैंड वाइफ कौन है, और डेफिनेटली हम देखेंगे उनके सारे डिटेल्स। ये रीडिंग होगा एज पर द बेसिस ऑफ योर बर्थ मंथ, आपके जो जन्म महीने हैं आपको उसको सिलेक्ट करने हैं। अगर आप नहीं चाहते हो तो पिक्चर के हिसाब से भी सिलेक्ट कर सकते हो। दिस इज़ फॉर ग्रुप वन। तो अगर आपके बर्थ मंथ है जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर, या अगर आप इस पिक्चर से अट्रैक्ट होते हो तो आप इस रीडिंग को देख सकते हो। अगर आपका बर्थ मंथ है फरवरी, मई, अगस्त एंड नवंबर, या आप इस पिक्चर से अट्रैक्ट होते हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। फॉर ग्रुप नंबर थ्री, अगर आपके बर्थ मंथ है मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर, और ये अगर आप इस पिक्चर से अट्रैक्ट होते हो तो रीडिंग आपके लिए है। आप पिक्चर से या अपने बर्थ मंथ से किसी से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, सो दिस इज़ अ टाइमलेस प्रेडिक्शन, आप कभी भी देख सकते हो, एंड दिस इज़ अ जेंडर न्यूट्रल रीडिंग, मेल फीमेल सबके लिए है, बट दिस इज़ फॉर सिंगल्स। आज सिंगल्स के लिए किया है मैंने। अगर आप सिंगल हो, अगर आप सेपरेटेड हो, डिवोर्स्ड हो, फिलहाल आप सिंगल हो, ठीक है, एंड यू आर लुकिंग फॉर री मैरिज, तो आप देख सकते हो। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद ग्रुप वन, देन गो फॉर ग्रुप टू, देन गो फॉर ग्रुप थ्री। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं। रीडिंग को इंग्लिश में एंजॉय करने के लिए प्लेलिस्ट में दिया हुआ रहेगा, तो आप उसको भी देख सकते हैं। इससे भी अलावा मैं डेस्टिनी करियर रिलेटेड रीडिंग्स कर रही हूँ। अगस्त महीने का जो प्रेडिक्शन है मैंने दे दिया है। इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो चेक इन द मंथली प्रेडिक्शन प्लेलिस्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बेस्ट ऑफ लक, विश यू ऑल द बेस्ट इन योर लाइफ, और आपके सारे मनोकामना पूरा हो। इस पॉजिटिविटी के साथ आज हम शुरुआत करते हैं। सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू एवरीवन। तो अगर आपके बर्थ मंथ है जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर, या अगर आप इस पिक्चर से अट्रैक्ट हुए हो तो रीडिंग आपके लिए है। आज हम रूनस और चार्म्स को भी यूज़ करेंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ। दिस आर द चार्म्स एंड दिस आर द रूनस, ठीक है। तो इसको हम यूज़ करेंगे ताकि हमें और डिटेल और क्लैरिफिकेशन मिले। हम टैरो कार्ड्स को भी यूज़ करेंगे, डोंट वरी। ओके गाइस, दिस इज़ अ टाइमलेस प्रेडिक्शन है और एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन ना करे, तो जो कर रहा है उसको लेना, बाकी को आप जाने देना। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा कि हमें भी मोटिवेशन मिलता है। एंड कमेंट सेक्शन पर लिखिएगा कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। डेफिनेटली वीडियोस बहुत ज़्यादा इंग्लिश में भी है, अगर आप चाहते हो उस लैंग्वेज को भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे है प्लेलिस्ट। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, और बहुत ज़्यादा वीडियोस है आपके इंटरेस्ट का रिलेटेड टू डेस्टिनी, करियर, करेंट फीलिंग्स, तो आप उसको भी देख सकते हो। सो लेट्स सी। सो जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा कि जिनका भी बर्थ मंथ है जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर, उनके लिए उनके फ्यूचर स्पाउस कौन है। सो लेट मी सी। सो कौन होने वाले हैं वो। थ्री ऑफ वैंड, सेरीज, लियो एंड सजिटेरियस। वाओ, द लवर्स, जेमिनाई। ओके, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्वेरियस, जेमिनाई एंड लिब्रा। वाओ, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ओ द हर्मिट। ओके ओके, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे आ रहा है हर्मिट। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ कप्स। ओके, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। वर्गो एंड जेमिनाई काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, मैं थोड़ा सा कैमरा को शिफ्ट कर देती हूँ ताकि आपको दिखाई दे। अभी मुझे लग रहा है कि कुछ लोग, हो सकता है कि आप लोग प्रीवियस कुछ रिलेशनशिप्स में थे, बट आप लोगों का बॉन्ड केमिस्ट्री बहुत अच्छा था, बट कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए सेपरेशन फेज पे आप लोग चले गए हो। एंड करेंटली बहुत सारे लोग जो इस फाइल को भी देख रहे हो और आपके पर्सन भी सिंगल है फिलहाल। ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग वेट कर रहे हैं,
आप एक सुटेबल पार्टनर के लिए, और ये पर्सन तलाश रहे हैं, ठीक है। द पर्सन इज एक्चुअली फाइंडिंग आउट। अभी हम बात करें उनका कैरेक्टर और उनका ट्रेड्स का, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है। ये पर्सन सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, डिफेंस, सिक्योरिटी, ठीक है, प्रिवेंशन एंड लॉस मैनेजमेंट, फिर ये पब्लिशर हो सकता है, राइटर हो सकता है। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ कप्स। पर्सन काफ़ी इंट्यूटिव है, साइकिक हो सकता है, स्पिरिचुअल वर्क भी कर सकता है। अगर स्पिरिचुअल नहीं भी हो तो इनका एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होगा, ये इजिली किसी को ऑब्जर्वेशन से ना उनको पता चल जाता है कि सामने वाला इंसान कौन है, उसका मोटिव क्या है इनको पता चलता है। ये पर्सन हमेशा प्रोफाइल बैकग्राउंड को चेकिंग करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं, हो सकता है उस जॉब में भी हो, डेटा एनालिस्ट हो सकते हैं। ये पर्सन डेफिनेटली आपके सोलमेट होंगे, भले आप लोगों के बीच में फिजिकल डिस्टेंस रहे, लेकिन यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे कि यू पीपल आर यू नो व्हाट, यू आर एक्चुअली ट्विन सोल्स बट इन सेपरेट बॉडीज, ओके। एक ही सोल है डिवाइडेड इंटू टू। मैंने फिलहाल हाल ही में करेंटली एक ट्विन फ्लेम सोलमेट के ऊपर मैंने ब्लॉग बनाया है, आप उसको देख सकते हो। अच्छा, ये पर्सन हो सकता है कि ओवरसीज रहते हो या बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द सिटी, स्टेट या कंट्री आपसे हो सकते हैं। एंड ये पर्सन हमेशा फोकस करते हैं मटेरियलिस्टिक चीज़ के ऊपर। पर्सन बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, वाइज है और लर्नड है, और इनका जो एक्सपीरियंस, इनका जो अनुभव है, इससे वो लोगों को सिखाते हैं, ठीक है। पीपल एक्चुअली फॉलो दिस पर्सन, दैट इज़ द थिंग। यहाँ पे ना कुछ नंबर्स हो सकते हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, फॉर एग्जांपल यस 7, 4, 6, 9 and 3, 3, 6, 9, सो डेफिनेटली दिस इज टेस्ला नंबर। ये पर्सन का पास ना हमेशा सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन उनको पास होगा, ठीक है। अगर आप उनको पूछो, पर्सन काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और काफ़ी ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं ड्यू टू वर्क प्रेशर्स, या हो सकता है उनको मेंटली कुछ प्रेशर्स हो, इमोशनल प्रेशर्स हो उनको, और ये फिलहाल बहुत ज़्यादा हॉलीडेज़ को एंजॉय करते हैं, अकेले रहना प्रेफर करते हैं, आइसोलेटेड रहना प्रेफर करते हैं। ये आपके अंदर ये क्वालिटीज़ हो सकता है। ये पर्सन फिलहाल, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे पहले, तो पर्सन काफ़ी आपको स्टॉक करते थे एंड आपको प्रोफाइल को काफ़ी डीपली वो देखते थे, ठीक है। ये पर्सन को जब भी मिलोगे तो ये पर्सन आपके बारे में सारे इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करेंगे। इनको अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना, अपना जो करियर है, जो करियर जो पाथ है, उसको कैसे ब्रॉड किया जाए, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ या लिमिटेड प्रिविलेजेस में ये पर्सन रहने वाले इंसान बिल्कुल नहीं है। इनको क्लाइंट्स के साथ डील करना हमेशा अच्छा लगता है। ये पर्सन हमेशा सॉलिड फाउंडेशन के ऊपर भरोसा रखते हैं। इनको पता है एक रिलेशनशिप इज़ नॉट लाइक दैट, इट्स वेरी फ्रेजाइल। ये विश्वास रखते हैं कि यहाँ पे एक स्टेबिलिटी होने चाहिए। अभी फ़िलहाल हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा साइकिक हो या आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, और ये पर्सन भी काफ़ी रैशनल है, लॉजिकल है, या आप इमोशनल हो बहुत ज़्यादा। ये पर्सन हमेशा दिल से डिसीजंस लेते हैं, नहीं हो सकता है आप लेते हो या ये पर्सन लेते हैं। काफ़ी सेंटिमेंट्स है उनका, तो वो इफ़ेक्ट हो जाए तो उनको प्रॉब्लम्स हो जाता है। ये पर्सन, दिस इज़ वन यू नो, ये पर्सन ऐसे ही सक्सेस का जो है ना लाइट, इन्होंने ऐसे ही देखा नहीं है। इन्होंने बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस को ओवरकम किया है, आई डू फील लाइक दैट। ये पर्सन के लिए हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है, ये पर्सन भी कर रहे हैं और वो आप भी कर रहे हो। नाउ लेट मी सी फ्रॉम द अदर डेक, फिर हम रूनस को भी देखेंगे, ओके। फिर हम इसके नीचे मैसेज को भी पढ़ेंगे, तो पर्सन कौन है देख लेते हैं। Who is this person? Trickery. Okay. Person बहुत ज़्यादा mind games खेलते हैं, bitter sweet relationship हो सकता है कि ये easily मानने वाले इंसान से में से नहीं है। Recovery बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए reconciliation है,
रीयूनियन है या रिलेशनशिप्स में जो फिलहाल आपका कंडीशंस चल रहा है, इसमें ज़रूरत से ज़्यादा सुधार आएगा। और ये जो रिलेशनशिप है ना, इसमें आप दोनों ही एक्सपेंड करोगे, मतलब आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आएगा। हो सकता है कि कभी कभार आप लोगों का इन एंड आउट रिलेशनशिप्स भी रहे, चाहे आपका पहले हो या आपका बाद में हो, आप उनको मनाना चाहो या वो आपको मनाने चाहे, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे लग रहा है कुछ ना कुछ कंपैटिबिलिटी इश्यूज दिखाई दे रहा है, बट वो सॉल्व होते हुए नज़र में आ रहा है। बिटर स्वीट रिलेशन, हो सकता है ये पर्सन काफ़ी मैनिपुलेटिव हो, थोड़ा सा उनका मेंटेलिटी ऐसा हो, वो आपके साथ कुछ माइंड गेम्स खेले, बट आफ्टरवर्ड्स एवरीथिंग विल बी ऑल ओके बिकॉज देर इज़ अ रिकवरी। ओके, अभी हम देख लेते हैं रून से, फिर हम देखते हैं चार्म से। ओके, पहले मैं रून से देख लेती हूँ, उसके बाद मैं चार्म से देखूँगी। ओके, थोड़ा सा साउंड होगा तो प्लीज़ वॉल्यूम को थोड़ा सा कम कर लीजिएगा, ठीक है, सो देयर कैन बी साउंड। सो फॉर ग्रुप नंबर वन, जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर, या पिक्चर जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है, उनके लिए उनके फ्यूचर स्पाउस के थोड़ा सा क्वालिटीज़ भी बताइए और मुझे सिनेरियो भी चाहिए। सो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी द राइट डायरेक्शन। और यहाँ से मैं कुछ चांस निकल देती हूँ फॉर ग्रुप नंबर वन। सो ऑफ कोर्स पिंक फ्लावर, द पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ग्रीट करेंगे, ओके, विद फ्लावर्स। मॉनसून सीजन पे आप मिल सकते हो, दिस इज़ अ मशरूम। ये पर्सन और आपके बीच में हो सकता है रीबिल्ड हो कनेक्शन, या ये पर्सन बहुत ज़्यादा हाई पोजिशन अथॉरिटी में जॉब करते हैं। ओके, दिस इज़ यू नो वाट, दिस इज़ बेसिकली द मैन एंड दैट इज़ मैन एंड वुमेन बोथ, तो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी। ओके, जस्ट अ सेकेंड, आई शो यू द चार्म्स फर्स्ट। यहाँ पे फ्लावरी डिज़ाइन है, तो हो सकता है डिज़ाइनर हो या उनको अपने घर को डिज़ाइन करना पसंद हो या आपको वो गिफ्ट करे। स्टैचू ऑफ लिबर्टी, तो पर्सन आपको भी जैसे इंडिपेंडेंस देंगे, वो खुद भी इंडिपेंडेंट किस्म के इंसान हैं। स्टार, सो दिस इज़ अ डेस्टाइंड कनेक्शन। ये पर्सन आपको काफ़ी स्टॉक करेंगे या स्पाई करेंगे, या हो सकता है पर्सन को या आपको बहुत ज़्यादा सनग्लासेस पहनने का शौक हो। आई डू फील ये पर्सन आपको वो कन्फाइंड एरिया से निकालेंगे, और ये जो केज है यहाँ से आपको लिबर्टी ज़रूर मिलेगा। हो सकता है आप किसी सिचुएशन पे स्टक हो, आपको रिलीज़ करना चाहिए अपना नेगेटिविटी, या ये पर्सन रिलीज़ करने के बाद आपके लाइफ में आएंगे। ओके, कभी कभी रिलेशनशिप स्टैंड स्टिल में पहुँच सकता है, दिस इज ईसा। ओके, यस, कभी कभार ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, दैट इज़ एडवर्सिटीज़ आप लोगों के रिलेशनशिप में। ओके, दिस इज़ डैगर्स, दिस इज़ होम, आप लोग दोनों मिलके एक बिल्डअप करोगे। तो ऐसा नहीं है कुछ भी पत्थर के लकीर पे नहीं, अगर आप सोचते हो कि रिलेशनशिप ऐसा नहीं होगा, कैसे होगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। ओके, दिस इज़ द एंट्रेंस, ऑफ कोर्स ये पर्सन का डेफिनेटली आपके लाइफ में एक एंट्री है जो मुझे दिखाई दे रहा है। एंड दिस इज़ जनरली द, यू कैन से द वेल्थ एंड विजडम। ओके, सो फिलहाल मुझे इतना तक दिखा, भी मैं इनिशियल्स थोड़ा सा देख लेती हूँ। बुक नंबर वन के लिए फिर मैं इसका मैसेज भी पढ़ूंगी। इनिशियल्स क्या है देख लेते हैं, एन डी पी क्यू ओ एट आर एच। ओके, ऑल राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट। ओके, पैन एशियन कंट्रीज, या पैंडमिक जब चल रहा है या जब एंड होगा आप उनको मिलोगे, हाई कोर्ट, कुछ लीगल सॉलिसिटर या डॉक्टर हो सकते हैं, मुझे लग रहा था। ओके, कुछ प्यूरिफिकेशन करने का ज़रूरत होगा आप लोगों का सोल्स का, आई डू फील। यहाँ पे जो मैसेज था आपके लिए वो है,
You are that woman who transformed my imperfections into perfections just by the touch of your life. Love you, my dearest wife. तो अगर आप मेल के लिए देख रहे हो तो वो आपको ऐसा बोलेंगे, अगर आप खुद मेल हो अपने फीमेल के लिए देख रहे हो तो वो आप उनको ऐसे ही बोलोगे और वो आपका बात, आप टेरेस देखो, यहाँ पे भी एक पिजियन है, यहाँ पे सॉरी दिस इज़ द केज और यहाँ से एक बर्ड रिलीज हो रहा है, पीछे कैसल है, तो यू विल बिल्ड योर ओन होम। आप टेरेस लेवल पे बहुत ज़्यादा इंजॉय करोगे एंड आपके सारे जो तकलीफ है ये पर्सन दूर करने वाले हैं। आपको सिर्फ ना नेगेटिविटी से बाहर निकलना है और वो आपको ये बोलेंगे कि उनको आप ही ने परफेक्ट किया है, आपका जो प्यार है उनसे उन्होंने परफेक्शन सीखा है। ओके, दैट इज ऑल अबाउट ग्रुप वन। आई होप यू लाइक इट, सो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू गाइस। हे हाय हेलो ग्रुप नंबर टू। तो अगर आपका डेट ऑफ सॉरी मंथ ऑफ बर्थ है फेब्रुअरी, मई, अगस्त एंड नवंबर, या अगर आप इस पिक्चर से इन्फ्लुएंस हुए हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। आज के रीडिंग में हम देखने वाले हैं गाइस कि हु इज़ योर पार्टनर। दिस रीडिंग इज़ फॉर सिंगल्स। ये टाइमलेस रीडिंग है और एक जनरल प्रेडिक्शन है, तो हो सकता है कि रेजोनेट करे, हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन ना करे। आज हम चर्म्स और रूनस दोनों को यूज़ करेंगे टैरो डेक से अलावा, ठीक है। टैरो कार्ड्स को भी शफल करेंगे जैसे हम लोग रोज़ करते हैं लाइव शफलिंग, और उसके साथ आज हम रूनस और चर्म्स और इनिशियल्स हम सब कुछ देखेंगे ताकि हमें और क्लैरिटी हो। इसको हम यूज़ करेंगे, इनिशियल्स को हम रूनस को यूज़ करेंगे और हम चर्म्स को भी यूज़ करेंगे, ठीक है। सो लेट्स सी। तो प्लीज़ रीडिंग को लास्ट तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो लेट्स सी। सो पॉजिटिव रहिएगा प्लीज़ गाइस। सो फॉर ग्रुप नंबर टू फेब्रुअरी, मई, अगस्त एंड नवंबर, तो फ्यूचर पार्टनर कौन होने वाले हैं आपके, फ्यूचर स्पाउस, फ्यूचर हस्बैंड, फ्यूचर वाइफ। ओके, दिस इज टू ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, भगवान, कैप्रिकॉर्न, पेज ऑफ वैंड, सीरीज, लियो एंड सजिटेरियस, सिक्स ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। फोर ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स के नीचे है फोर ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स and the hanged man, okay. bottom of the deck हमारे पास है tower, Scorpio, Aries, okay। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं, ठीक है, Aquarius, Gemini, Libra, Cancer, Pisces, Scorpio, आपको दिखाई दे रहा होगा सारा cards, okay, just a second guys, okay। Cancer, Pisces, Scorpio, Pisces important है, Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sag, एरीज, स्कॉर्पियो, पाइशियस, एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा। मुझे लगता है आफ्टर दिस हैंग्ड मैन कुछ स्टक सिचुएशन से आपको फाइनली रिलीफ मिलने वाला है, कुछ कनेक्शन री एस्टेब्लिश होगा, आदर देर विल बी अ ब्रांड न्यू कनेक्शन इन योर लाइफ, या जो भी रिलेशनशिप था, ठीक है, तो वो रिस्टोर होगा। अगर आप सेपरेशन में थे, डिवोर्स थे, तो हो सकता है कि एक ब्रांड न्यू कनेक्शन आपके लाइफ में आए, या वो रिलेशनशिप एक रिन्यूअल के तौर पे आपके लाइफ में आए, ट्रांजिशन हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, अनएक्सपेक्टेड वे में ये पर्सन आपके लाइफ में आ जाएंगे, ओके। इनके साथ सिर्फ आप एक जन्म नहीं, बहुत पास्ट लाइफ शायद आपने इनके साथ बिताया हो सकता है कुछ लोग ऑलरेडी इनको जानते हो, या हो सकता है कि आप इनके साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे पहले, ठीक है, बट नॉट, मे बी नॉट इन दिस बर्थ, शायद इस जन्म में नहीं, पास्ट सोल कनेक्शन तो है, मुझे दिखाई दे रहा है। ये पर्सन बिल्कुल किसी सोल पार्टनर के तलाश में होंगे जब आप उनको मिलोगे, हो सकता है स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज में आप मिलो, या हो सकता है जब आप कोई करियर चेंज कर रहे हो, या कोई आपका न्यू माइंडसेट है, ठीक है, कुछ चेंजेस मुझे दिखाई दे रहा है। ये पर्सन अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं, भले ही उनके लाइफ में काफ़ी बार दिखाया गया है कि अप एंड डाउन होता है, बट इसके नीचे था टू ऑफ पेंटिकल्स, के नीचे था फोर ऑफ पेंटिकल्स। सो पर्सन बेसिकली फोकसेस ऑन इन्वेस्टिंग मनी, ठीक है, पैसा कैसे बचाया जाए, पैसा कैसे अर्न किया जाए, उसको कैसे
जैसे बोलते हैं ना रक्षा करना, ठीक है, उस तरह से ये पर्सन पैसे को इजीली जाने नहीं देते अपने हाथ से, ठीक है, खर्चा करते हैं लेकिन सोच समझ के, स्पेंड्स वाइजली जिसको बोलते हैं, चाहे वो जितना भी इनकम करें। ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी होंगे जो मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे लग रहा है कुछ तो डेफिनेटली आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे, बट वो पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दिया, ट्रस्ट इश्यूज था और सिचुएशन पूरी तरह से चेंज हो गया और आप स्टक उस रिलेशनशिप में, आप स्टक हो गए, ना आपको पता चला कि क्या करना है आगे और ना आप डिसीशन ले पाए। लेकिन बहुत ही जल्द एक स्ट्राइकनिंग, जैसे बोलते हैं ना लाइटनिंग, अचानक अनएक्सपेक्टेड वे से जो रिलेशनशिप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और उनके लिए भी था जिनके साथ भी आप कनेक्शन में थे, अचानक वहाँ पे ब्रेक हो गया, ठीक है। बट ये ब्रेकअप क्यों हुआ, इसके पीछे एक रीज़न भी हो सकता है, शायद वो पर्सन आपके लाइफ में सही नहीं थे या आप दोनों में कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग का ज़रूरत था, सो मे बी यू विल टेक टाइम टू डेवलप द रिलेशन, दैट्स वाई। अभी मैं दूसरा कार्ड से मुझे और देखना है ताकि हमें और क्लैरिटी मिले, उसके बाद हम रूंस और चार्म से भी देखेंगे, ठीक है। पर्सन बहुत ज़्यादा फोकस है अपने करियर के ऊपर, लीडरशिप रोल्स पे हो सकते हैं, इनोवेशन, ठीक है, फार्मेसी, या पर्सन यस ट्रेजरर हो सकते हैं, बैंक अकाउंट होल्ड कर सकते हैं या कॉरपोरेट अकाउंटेंट हो सकते हैं, या अकाउंट्स या फाइनेंस लेके उन्होंने पढ़ाई किया होगा। डिस्कवरी, आई टोल्ड यू, कोई ना कोई तो यहाँ पे किसी पर्सन के लिए डिस्कवर कर रहे हो, मतलब यू विल फाइंड आउट अ न्यू पार्टनर बेसिकली फॉर योरसेल्फ, और आप उनको ज़रूर मिलोगे, डोंट वरी, दैट्स व्हाई डिस्कवरी है। रिजेक्शन, ओके, अबंडेंस, डिस्कवरी करते वक्त ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ में कि आप लोगों को काफ़ी रिलेशनशिप्स में फेलियर दिखे, क्योंकि आपको जब तक राइट पर्सन नहीं आएंगे ना तो यूनिवर्स भी, ठीक है, आपको उस पर्सन के साथ यूनाइट होने नहीं देंगे क्योंकि वो आपके लिए अच्छे नहीं हैं, ठीक है। तो उसके बाद ही आपके लाइफ में अबंडेंस आएगा, व्हेन यू विल मीट द राइट पर्सन, व्हेन यू विल डिस्कवर द राइट पर्सन, आफ्टर रिजेक्शन देयर विल बी अबंडेंस, ठीक है। आपको समझ में आ गया पूरा स्टोरी। पर्सन हो सकता है साइंटिस्ट हो या पेंटर हो या आर्टिस्ट हो, किसी तरह फाइनेंस में हो सकता है, आई टोल्ड यू इनके पास काफ़ी धन दौलत शोहरत हो सकता है, थोड़ा सा ये पर्सन पार्टी फ्रीक हो सकता है। ये पर्सन अगर आप ऑलरेडी डिवोर्स हो, आपका चाइल्ड है, इनका इनका भी एक चाइल्ड होने का संभावना है, नॉट फॉर एवरीवन, ओनली फॉर डिवोर्स एंड सेकेंड और थर्ड मैरिज, मैं उनके लिए बोल रही हूँ, या आपके साथ उनका बहुत ज़्यादा कनेक्शन बहुत अच्छा से डेवलप करें, एंड यू विल गेट मैरिड एंड यू विल हैव अ चाइल्ड टुगेदर। बट ये पर्सन हमेशा फाइनेंस के ऊपर ही फोकस करते हैं, अपना करियर के ऊपर। ये पर्सन किसी भी तरह, ठीक है, आप तक पहुँचेंगे ज़रूर, या आप इस पर्सन के तरफ पहुँचेंगे ज़रूर। परसेप्शन, डेफिनेटली ये पर्सन का माइंड सेट या आपका माइंड सेट डिफर कर सकता है, इनका जो देखने का नज़रिया है दुनिया को और आपका जो देखने का नज़रिया है वो अलग अलग हो सकता है। यहाँ पे एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए दिखाई दे रहा है, एक क्रिस्टल भी है, सो डेफिनेटली हीलिंग इज़ रिक्वायर्ड, आपको हील होना पड़ेगा वो सारे डिसअपॉइंटमेंट से, सारे रिग्रेट से, सारे फेलियर से जो आप रिलेशनशिप में हुआ था आपके साथ, ओके। आई अंडरस्टैंड योर पेन बट यू हैव टू रिकवर। यहाँ पे हम रूल्स से थोड़ा देख लेते हैं, फिर हम चार्म्स से भी देखेंगे। मैं पहले चार्म्स और रूल्स एक साथ देख लेती हूँ फॉर ग्रुप नंबर टू, फेब्रुअरी, मई, अगस्त एंड नवंबर। मैं आग बंद करके ही कर रही हूँ, ओके। अभी हम रूल्स से देख लेते हैं, थोड़ा सा साउंड होगा तो प्लीज़ वॉल्यूम को नीचे रख दीजिएगा। ओके, आई टोल्ड यू ये टारगेट है तो विक्ट्री होगा रिलेशनशिप में, ठीक है, डेफिनेटली विल मीट योर पार्टनर। यस, दिस इज फर्टिलिटी, आई टोल्ड यू विल हैव अ चाइल्ड,
ओके एंसेस्टर, मैंने आपको पहले ही बताया ये बहुत ज़्यादा धनवान होंगे। नाम शौहरत पैसा इनके पास होगा, हो सकता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जैसे होता है ना पूर्वजों का पैसा इनको बहुत ज़्यादा मिला हो या आपको मिले। ओके मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी बोथ। ओके सो नथिंग इज हियर सेट इन स्टोन, हो सकता है कि जो आप गलत सोच रहे हो ना तो वैसा बिल्कुल ना हो। ठीक है, हो सकता है आप दोनों का कनेक्शन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आए। ठीक है, बिकॉज आई फाइंड ऑब्स्टकल्स। और राइट, दिस इज द अर्थ, हो सकता है अर्थ एनर्जी हो, दिस इज रिलेटेड टू ग्राउंड, बहुत ज़्यादा हाईली ग्राउंडेड पर्सन होंगे और हो सकता है मेटेरियलिस्टिक भी हो। ओके यस आई डू फील देयर विल बी स्लाइट प्रॉब्लम्स। ओके अभी देखो ये दिस इज सोल पार्टनरशिप, आप उनको कोई भी पार्टीज में मिल सकते हो। ये पर्सन बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हो सकता है, या टॉल हाइटेड होंगे, या बहुत ज़्यादा अबंडेंट होंगे, इनका दूर दूर तक बिजनेस हो सकता है। ठीक है, टावर मोमेंट तो आप जानते ही हो, देट कैन बी। ओके टू यूनिकॉर्न्स, थ्री यूनिकॉर्न्स बेसिकली हैव कम, सो इट्स अ कन्फर्मेशन दैट एंजल्स आर विद यू। ट्विंस, ओके ऑफकोर्स थ्री यूनिकॉर्न्स यहाँ पे आ चुका है, सो यू कैन मीट देम इन पार्टीज। ये पर्सन बहुत ज़्यादा फॉर्मल हो सकते हैं, इनको सनग्लासेस पहनना या स्पाई करना पसंद होगा, हाईली डिग्निफाइड प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी पे आप मिल सकते हो, पर्सन ब्लॉगर हो सकते हैं या वीडियोग्राफी का शौक होगा। टू टावर्स अगेन टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज हो सकते हैं। वाओ पिंक फ्लावर, तो ऑफकोर्स ये पर्सन काफ़ी क्यूट भी होंगे। अभी हम देख लेते हैं उनका इनिशियल, फिर थोड़ा मैसेज मैं पढ़ लेती हूँ। माय परमानेंट रिलेशनशिप स्टेटस टेकन फॉर एवर बाय द मोस्ट गॉर्जियस वुमेन इन दिस यूनिवर्स, लव यू। तो आपको ये बोलेंगे वो कि आप सबसे ज़्यादा गॉर्जियस हो, प्रिटी हो, आपको काफ़ी अप्रिशिएट करेंगे, आप जैसे भी हो उनको बहुत आप पसंद आओगे। ऑलराइट, चाहे मेल हो या फीमेल हो, डज नॉट मैटर। अभी हम इनिशियल्स देख लेते हैं। H B J U A R, H R से हो सकता है, W A X U N, ओके सो दिस इज ऑल फॉर ग्रुप नंबर टू। आई होप यू लाइक इट गाइज, एंड इफ यू लाइक प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू। थ्री, तो अगर आपके बर्थ मंथ है मार्च जून सितंबर या दिसंबर, या अगर आपने ये पिक्चर सेलेक्ट किया है तो रीडिंग आपके लिए है। आज के रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि हु इज़ योर फ्यूचर पार्टनर। ये बेसिकली रीडिंग सिंगल्स के लिए है, अगर आप डिवोर्स्ड हो सेपरेटेड हो तभी भी देख सकते हो। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। आज हम रूनस और चार्म्स दोनों को यूज़ करेंगे एक साथ, और इनिशियल्स तो रहेगा। दिस इज़ द रूनस एंड दिस इज़ अ चार्म, सो हम यूज़ करने वाले हैं, तो प्लीज़ रीडिंग को लास्ट तक देखना। ठीक है, सो लेट शफल द कार्ड्स। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल प्रेडिक्शन है, तो हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन ना करे। ओके तो प्लीज़ जो कर रहा है उसको ले लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करना। Four of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio. Knight of Swords, Aquarius, Gemini and Libra. The High Priestess. King of Cups, Four of Cups के नीचे है King of Cups. Eight of Wands, Knight of Swords के नीचे है Eight of Wands. And हाई प्रिस्टस के नीचे है एट ऑफ कप्स, सो इट कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। बॉटम ऑफ द डेक है टेन ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, कैंसर, पाइशस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लीब्रा एंड पाइशस। अगर कोई साइन नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं,
ठीक है, बिकॉज एनर्जीज आर इम्पोर्टेंट. अभी मुझे जो फिलहाल लग रहा है ये पर्सन काफ़ी सेंटिमेंटल होंगे, इमोशनल होंगे, बट उस चीज़ को वो काफ़ी बैलेंस कर लेते हैं. ओके, ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, क्लैरिवेंट हो सकते हैं. आई डू बिलीव ये पर्सन को जियोलॉजी डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड से वो डील करते हो, इनका नेचुरल इंस्टिंक्ट होगा. यस, द पर्सन कैन बी ए हीलर, या चक्र हीलिंग के ऊपर वो काम करते हैं, या हो सकता है क्लैरिवॉयंट हो, टैरो रीडर हो, ओके, स्कॉलर हो, फिजिशियन हो, डॉक्टर हो, साइकोलॉजिस्ट, लाइक दिस. ये पर्सन काफ़ी स्पिरिचुअल होंगे, ठीक है, इनको पूजा पाठ करना, भगवान के ऊपर काफ़ी विश्वास रखना, एंड डेफिनेटली आई डू फील दिस पर्सन इज़ अ होली स्पिरिट. बट ये पर्सन का नेगेटिव क्वालिटी ऐसा है, ये पर्सन काफ़ी इंट्रोवर्ट है, थोड़ा बहुत ये छुपा लेते हैं बात को, इतना ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं. अगर उनको कुछ हाइड करना हो, आप किसी भी हालत में उनसे आप नहीं निकल पाओगे कि क्या उन्होंने हाइड किया है. मुझे लग रहा है कोई ना कोई एक मूव ऑन सिचुएशन होगा आपके लाइफ में या उनके लाइफ में. ये सिचुएशन हो सकता है कि आप इंट्रोवर्ट हो, आप कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, या वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस कर पाते हैं, इन दोनों के बीच में. बिकॉज आई डू फील वन इज़ किंग ऑफ कप्स एंड द अदर वन इज़ हाई प्रिस्टेस. यहाँ पे पर्सन बहुत ज़्यादा फ्रीली वो अपना जो दिल का बात है ना वो बोल पा रहा है, और दूसरा नहीं बोल पा रहा है. इसमें क्या है ना, इसमें रिलेशनशिप एक स्टेबिलिटी में नहीं आ पा रहा है, क्योंकि इसमें बैलेंस नहीं है, मच्योरिटी लेवल मैच नहीं हो रहा है. हो सकता है तो एक मूव ऑन सिचुएशन होने के बाद एक रिकन्सिलिएशन हो सकता है. ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने ऊपर लोड ले लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले लेते हैं, काफ़ी हार्ड वर्कर है, पैशनेट है काम के लिए, लेकिन उनको हमेशा ये फील होता है कि जितना उन्होंने मेहनत किया है उतना रिजल्ट, एक्सपेक्टेड रिजल्ट उनको नहीं मिलता है. ये पर्सन काफ़ी डिटरमाइंड है. कुछ लोग को, आप लोग को विदिन 8 वीक्स 8 मंथ्स ये पर्सन आपके साथ मुलाकात हो सकता है, या अगस्त महीने में हो सकता है, या इट कैन टेक अ ईयर और टू. ओके, सो आई डू बिलीव ये पर्सन काफ़ी डिटरमाइंड है. एक बार उन्होंने ठान ले लिया कि इस जगह पे पहुंचना है, या इस करियर के इस मुकाम में पहुंचना है, या किसी के साथ रिलेशनशिप को कंफर्म करना है, तो वो तुरंत भागेंगे. मुझे यहाँ पे ट्रैवल बहुत ज़्यादा नज़र में आ रहा है. हो सकता है कि आपका या उनका बहुत ज़्यादा ट्रैवल ओरिएंटेड जॉब्स हो. ये पर्सन सेल्स में हो सकता है, ऑनलाइन हो सकता है, एडवर्टाइजिंग, पब्लिकेशन, कोई कंपनीज, मीडिया, ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग, जर्नलिज्म, क्लैरिवॉयंस, एडवेंचरस स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में हो सकते हैं. मुझे लगता है कि रिसेंटली कुछ ब्रेकअप हुआ होगा उनके लाइफ में, और उन्होंने, देखो यहाँ पे 8 कप्स है बट 2 कप्स आर नॉट देयर. ओके, तो इन्होंने वो सिचुएशन से मूव ऑन कर लिया, क्योंकि वो सिचुएशन उनके लिए और सर्व नहीं कर रहा था. एंड डेफिनेटली ये पर्सन बैलेंस पोजिशन में पहुँचे हैं. इस पर्सन को सेटिस्फाई करना हो सकता है थोड़ा मुश्किल हो, क्योंकि ये पर्सन को, उनको लगता है कि उनके पास जो है दैट इज़ ऑलरेडी इट्स देयर. ये जब आप मिलो, हो सकता है कि आपके पास या उनके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हो या ऑप्शंस हो जिनसे आपको चूज़ करना पड़े. अगर हम देखें तो डिफेंस में हो सकता है, एयरलाइंस में हो सकता है, क्रू मेंबर्स हो सकता है, बैंकर हो सकता है, फाइनेंशियल फाइनेंस में हो सकता है, डॉक्टर या फिजिशियन, सर्जिकल ऑपरेशंस करते होंगे, शेफ हो सकते हैं, टीम लीडर हो सकते हैं. बट ये क्या करते हैं ना, बहुत ज़्यादा लोगों का काम अपने कंधों पे ले लेते हैं. बिकॉज आई डू बिलीव कि कुछ लोगों के लिए ना, कि ये पर्सन हमेशा सोचते कि आई अलोन ओके, आई एम सफिशिएंट, आई डोंट नीड एनीबॉडी, ठीक है, वो मेरा काम है, मैं कर लूँगी या कर लूँगा, मुझे किसी का हेल्प नहीं चाहिए. तो ये क्या करते हैं, वो पुश करते रहते हैं. और ये पर्सन ऐसे भी है ना, अपने आइडियाज़ को थ्रो करते हैं लोगों के ऊपर, पुश करते हैं, चलो मेरा बात ही मानना पड़ेगा क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा काम कर रहा हूँ. ठीक है, जो सबसे ज़्यादा काम करते हैं उनका बात तो मानना ही पड़ता है, दैट इज़ द थिंग. अभी हम यहाँ से देख लेते हैं, आप दोनों के बीच में एज गैप हो सकता है, दैट कैन बी अ रीज़न. ओके, सो इज दिस पर्सन गॉसिप, इंटरेक्शंस करना हो सकता है, काफ़ी इंटरेक्टिव है ये पर्सन. ओके,
ओके पैशन, आई टोल्ड यू कैन बी टीचर, प्रोफेसर, ओके, या डिजेबल या अंडर प्रिविलेज लोगों का बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं वो। ये पर्सन को आई टोल्ड यू दिस इज़ अ बुक, काफ़ी बुक्स पढ़ना या विजडम लर्न करना, इनको टियारा पसंद होगा। अगर ये फीमेल है, इनको हेयर बैंड, टियारा, इस तरह का लॉन्ग ड्रेस इनको पसंद होगा। ये लोगों को अपने, जैसे मैंने आपको बताया, अपना विजडम थ्रो करते हैं, लोगों को अपना आइडियाज़ को पुश करते हैं, पैशनेट है काफ़ी अपने काम के लिए। इनके विषय में हो सकता है कि लोग गॉसिप करें, ये काफ़ी पॉपुलर भी हो सकते हैं, या उनका कुछ नेगेटिविटी निकाल के उनके बारे में वो बोलते भी होंगे। फॉरगिवनेस, इस रिलेशनशिप में किसी ना किसी एक को तो अपने पास्ट को भूलना पड़ेगा और आगे जाना पड़ेगा। बॉटम ऑफ द डेक है कन्फ्यूजन। ये पर्सन को काफ़ी कन्फ्यूज पर्सनैलिटी हो सकता है, इनको काफ़ी, या आप हो सकते हो कि आप, उनको लगे कि आप ही उनके सोल पार्टनर हो या नहीं। इस विषय में उनको काफ़ी बार, अगर उनको, मतलब जैसे होता है ना, अंधेरा है, बादल है छाया हुआ, उनको क्लियर नहीं है होता है कि सही में है या नहीं, या किसी भी चीज़ में उनको काफ़ी ज़्यादा डिसीशन लेने में तकलीफ होता है। ये क्वालिटी आपके अंदर भी हो सकता है। ओके, ऑल राइट। ये पर्सन काफ़ी स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस है, ये मैं बोल सकती हूँ। यू आर माई आंसर्ड प्रेयर, माई फुलफिल्ड विश, माई रियलाइज ड्रीम, ये आपको बोल सकते हैं। इन्होंने बहुत टाइम से आपको मैनिफेस्ट किया होगा, या प्रेयर्स में अपने सोल पार्टनर को इन्होंने मांगा होगा, तब आप जाके उनको मिलोगे तो वो आपको ऐसे ही बोलेंगे कि यू आर माई आंसर्ड प्रेयर, माई फुलफिल्ड विश, माई रियलाइज ड्रीम। ऑल राइट, वंडरफुल कपल। देखो, मैंने आपको बताया था इनको टियारा पहनना, इस तरह का ड्रेसेस उनको पसंद होगा। अभी हम रूल्स को देख लेते हैं और फिर हम चार्म्स को देखेंगे। ओके, पहले हम रूल्स को देखते हैं फॉर ग्रुप थ्री। थोड़ा सा साउंड कम कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है। मैं थोड़ा चार्म्स भी देख लेती हूँ। बटरफ्लाई, सो देर इज़ अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है आप दोनों में। वाओ, क्यूट बेबी। टावर मोमेंट आ सकता है, रीबिल्ड, रीयूनियन हो सकता है कनेक्शन पे, या ब्रांड न्यू कनेक्शन आपके लाइफ में आए। दिस इज़ द सनग्लास, आज ये तीनों में आया था, या स्टॉकिंग कर सकते हैं। यू आर पार्टनर्स ऑफ लव, दिस इज़ अगेन, ये भी आया था इस तीनों में। डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, टारगेट फुलफिल्ड, ऑफ कोर्स विक्ट्री होगा रिलेशनशिप में। दिस इज ईसा, दिस इज ऑफ कोर्स मैस्कुलिन। ओके, थोड़ा सा कंस्ट्रेंट आ सकता है रिलेशनशिप में। ओके, दिस इज अर्थ एनर्जी, तो काफ़ी ग्राउंडेड, हम्बल होंगे आपके पर्सन। रेड हो, आई टोल्ड यू, कुछ जर्नी, ट्रैवल यहाँ पे इन्वॉल्व होगा। एंड दिस इज़ अ होम, आप दोनों मिलके एक घर बनाओगे, या न्यूली आप होम में एंटर करोगे। दिस इज़ पिंक यूनिकॉर्न, तो ऑफकोर्स ये पर्सन आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, एंड यू विल बी इन लव विद दिस पर्सन। नाउ लेट मी सी इनिशियल्स। मन, मंडे इम्पोर्टेंट हो सकता है। SXS 8, 9 या 6, अगस्त, जून या सितंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है। DRKTTTT आया है, SSS आया है, SSSSS आया है। किसी का नाम हो सकता है मोना,
Okay. Okay. So this is all for group 3. I hope you like it. And if you like, please don't forget to subscribe, share and comment in the comment section. Thank you guys.